हेलो फ्रेंड्स, इट्स सपना हेयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इट्स सिंपल से और क्विक से मेकअप को करने के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करें। सबसे पहले हम एक टोनर अप्लाई करेंगे अपने फेस पर। ये काया का टोनर है। उसके बाद डर्मा कंपनी का 2% साइक्लिक एसिड वाला सीरम है। सीरम लगाने से ना हमारे फेस का जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ हो जाता है और हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस मैट प्राइमर है। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा प्राइमर है। ये इससे बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती है और स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और एकदम ब्लर आउट जैसा फिनिशिंग आ जाती है। देख सकते हैं एकदम ब्लर हो गया है। अब हम मेबलिन का फाउंडेशन ले रहे हैं। मेरा शेड है 128 वार्म न्यूट। अब मैं इसको डॉट डॉट करके ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे फेस पर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और इसकी ब्लेंडिंग करूँगी। ब्लेंडिंग हमारी जितनी अच्छी होगी हमारा फेस भी उतना ही अच्छा लगेगा, हमारी स्किन उतनी अच्छी लगेगी। ब्लेंडिंग में आप लोग प्लीज़ ज़रूर टाइम दीजिएगा क्योंकि ब्लेंडिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर है। मेरा सेल है सेंसेबल। अब मैं इसे अपने आईज के कॉर्नर पे, आईलिड पर, ब्रिज ऑफ द नोज, फॉरहेड और बेसिकली उस जगह पर अप्लाई करूँगी जिस जिस पार्ट को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। कभी भी कंसीलर को ना रगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो क्रीज लाइन हो जाती है। अब हम इसे अच्छे से टैप टैप करके टैपिंग मोशन में ब्लेंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इस कंसीलर को लगाने से वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर कितना डिफरेंस आ जाता है, कितनी ब्राइटन अप हो जाती है हमारी आईज। अब मैं शुगर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लूँगी और इसे अपने पूरे फेस को स्पेशली आईज के नीचे अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि क्रीज आउट ना हो। और समर्स के लिए तो ये पाउडर बहुत अच्छा है। इससे एकदम फेस मैटिफाइंग हो जाता है और ये बहुत स्वेट प्रूफ है, इससे स्वेटिंग भी नहीं होती है। अब मैं फेसेस कनाडा की ये ब्लश पैलेट ले रही हूँ, सॉरी कॉम्बो पैलेट ले रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम कॉन्टोर लेंगे। मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी, बहुत हल्का हल्का कॉन्टोर करूँगी, बट कॉन्टोर करना चाहिए। कॉन्टोर करने से हमारा फेस पतला लगता है, चीज़ल लगता है और उसे एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। मैं अच्छे से पूरे फेस को कॉन्टोर कर लूँगी, फॉरहेड पे, थोड़ा सा चिन पर और नोज़ पर। हम मेकअप बहुत मिनिमल रखेंगे तो हम सब कुछ लाइट लाइट करेंगे। समर के हिसाब से मेकअप है इस वजह से। अब मैं ब्लश अप्लाई करूँगी एकदम लाइट। कितना प्यारा शेड है देखिए आप लोग। थोड़ा सा नोज पर भी कर लूंगी। अब हम हाइलाइटर लगाएंगे। बहुत नेचुरल हाइलाइटर है ये। बहुत नेचुरल सा ग्लो आता है इसको लगाने के बाद। नोज पर क्यूपिक पोज। अब मैं आईज पर जो मेरा कॉन्ट्रोल शेड था उससे क्रीज कर लूँगी अपनी पूरी आई लिड को। अब मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ और अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी। पहले कॉम से क्लीन अप करूँगी स्पूली से, उसके बाद मैं इसे फिल कर लूँगी। देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ गया है आईब्रोज से आईज को फिल करने के बाद, आईब्रोज को फिल करने के बाद सॉरी। अब हम मेबलिन का कोलोजर लाइनर लेंगे। हमें इसे बहुत थिन आईलाइनर
लगा लूँगी। एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो आई एम लिटिल बिट नर्वस। मैं इसी तरह से दूसरी आई पर भी लगा लूँगी। अब हम लेंगे ये मेबलिन का ही मस्कारा है, हाइपर कर्ल लेसेस वाला मस्कारा। इसको लगाने के बाद ना एकदम से लेसेस बहुत बिगर लगते हैं, वॉल्यूम आ जाता है हमारी लेसेस में। देखिए आप कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है। नीचे भी लगा लूंगी मैं। लिपस्टिक लगाएंगे, ये मिस क्लेयर की लिप लाइनर है। हम अच्छे से लाइन कर लेंगे लिप्स को लाइन अप करने के बाद। अब मैं लिपस्टिक फिल करूंगी, ये मेबलिन की लिपस्टिक है, क्रीमी मैट लिपस्टिक, बहुत ही न्यूड सा शेड है, वो बहुत प्रिटी लगता है लगाने के बाद। और अब आप इस मेकअप को किसी भी में कैरी कर सकते हैं।